बुद्धिस्टों को दशहरा का त्यौहार बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूर्वज है उसका विनाश हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसको मार गिराया गया, तो इसलिए हमें अफसोस जाहिर करना चाहिए। और हम मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें एक याचिका दायर करनी चाहिए कि रावण के शवों, रावण के पुतलों को ना जलाया जाए, जिससे हम बुद्धिस्टों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इसलिए हमें दशहरा ना दशहरा मनाना चाहिए, ना होली मनानी चाहिए, ना रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ये सारे हिंदुओं के त्यौहार हैं, कल्पना लेते हुए त्यौहार हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसको जड़ पूंछ नहीं है, या ऐसे त्यौहार हैं। इसलिए हमें जो बुद्धिस्ट हैं वो बुद्धिवान व्यक्ति होता है, समझशील व्यक्ति होता है, उनको इस तरह का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। बौद्ध संस्कृति का मेल हिंदू संस्कृति से नहीं खाता। बौद्ध संस्कृति में न भाग्य है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न ईश्वर है, जबकि हिंदू धर्म इन ही तरफ टिका हुआ है। हिंदू त्योहारों को बहुजन लोग बहुत बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, क्या ये बुद्ध रीति के हिसाब से सही है या गलत? मैं ऐसे न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे विचार रखने के लिए मुझे बुलाया है। और मैं सभी को जय भीम नमो बधाई करता हूँ। देखिए, हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग संस्कृति हैं, और किसी हद तक भी बौद्ध संस्कृति का मेल हिंदू संस्कृति से नहीं खाता। बौद्ध संस्कृति में न भाग्य है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न ईश्वर है, जबकि हिंदू धर्म इन ही तरफ टिका हुआ है। अब रही हिंदुओं के त्यौहारों की बात, आर्यों ने अनार्यों पर अत्याचार किए, उनको उनका विनाश किया, और उनको विनाश करने की खुशी में ये लोग उत्सव मनाते हैं। और हम आज की डेट में, तारीख में, इतने अनभिज्ञ हैं, अपने इतिहास को हम नहीं जानते। और जब कोई भी समाज, कोई व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं समझेगा, अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो वो समाज अंधा रहेगा या दूसरों का पिछलग्गू रहेगा। जहाँ तक हिंदू धर्म के त्यौहारों की बात है, फंक्शंस की बात है, होली के बारे में आप सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप और होलिका दोनों श्रवण संस्कृति के मानने वाले थे, दोनों अनार्य थे। हिरण्यकश्यप बहुत ही बड़ा शक्तिशाली राजा था, जिनको छल और कपट से इन आर्यों ने मारा, और उसके लड़का जो प्रहलाद था वो एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा, अच्छे चरित्रवान लड़का नहीं था, आर्यों ने उसको लड़के को अपने फेवर में किया और उसके अपने पिताजी के खिलाफ भड़का दिया। तो जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद इन लोगों ने खुशियाँ मनाई, रंग चलाए, होलिका जलाई, और होलिका की जय बोलते हैं एक तरफ तो, और माता की जय बोलते हैं, और दूसरी तरफ उसको आग लगाते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी औरत का कितना बड़ा इन लोगों ने अपमान किया, जो आज के संविधान के अनुसार एक पाप है, एक अन्याय है, और एक दोष भी है। हिरण्यकश्यप को इन्होंने जिस तरह से मारा, उसकी खुशी में ये लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। हम सभी लोग, जो जितने भी बुद्धिस्ट हैं, हम इतने अनभिज्ञ हो चुके हैं कि उसी राह पर चल रहे हैं और पढ़ने का, सोचने का प्रयास नहीं करते। अगर हमारे लोग ये समझ लें, दलित भोजन ये समझ लें कि भाई हिरण्यकश्यप कौन था, उसको क्यों मारा, होली कौन थी, उसको क्यों मारा गया, क्यों खुशी मनाते हैं, तो हमारे बहुजन लोग जो आज बुद्धिस्ट हैं, जो दलित कहलाते हैं, वो होली का त्यौहार मनाना छोड़ देंगे। दूसरी बात आपने कही दिवाली की, अगर दिवाली में हम राम का जन्म, लंका पर विजय और अयोध्या का आगमन देखते हैं, तो तीनों कालों में कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई अंतर भी बहुत ज़्यादा है, और कोई इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिलते कि इस दिन दीपावली मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, राम अयोध्या आए
क्यों आए, किस तारीख में आए, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। जहाँ तक बुद्धिस्टों का दिवाली मनाने का त्यौहार है, मैं ये कहता हूँ कि ये परिपाटी गलत है। बुद्धिस्टों को कभी भी दीपावली नहीं मनानी चाहिए। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा इस बात को कि सम्राट महान अशोक ने 84,000 स्तूप और स्तंभ बुद्ध विहार इत्यादि बनवाए थे, और जब वो कंप्लीट हो गए थे तो उन्होंने एक समय सब पर प्रकाश किया था, दीपक जलाए थे। केवल ये वहीं तक सीमित है। अगर दीप ये बुद्धिस्टों का त्यौहार दिवाली होता तो संसार में 125 देश ऐसे हैं जिनमें बुद्धिस्ट शासन है और बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो भी इस दीपावली को मनाते। जितने भी संगतियां हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, किसी भी सम्मेलन में दीपावली मनाने का कोई कहीं प्रसंग नहीं आता। और जितने भी बुद्धिस्ट इतिहास हैं, केवल इस घटना को छोड़ते हुए दिवाली मनाने का कहीं को प्रोसीजर नहीं है। और अगर दिवाली मनाने का कहीं प्रोसेस होता तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने जब भगवान बुद्ध और उनका धर्म उसके एक विषय एक ग्रंथ पवित्र ग्रंथ की रचना की थी, तो उसमें कहीं भी इस प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है। आगे रक्षाबंधन की बात भी है, रक्षाबंधन की भी बात हम बात करते हैं। प्राचीन काल समय में राजपूतों के जो ब्राह्मण होते थे वो राजपूतों के हाथ में कलावा बांधते थे, धागा बांधते थे, और ये प्रण करते थे कि आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि राजपूत लड़ाई में प्रवीण थे और उनकी रक्षा करने के लिए उनके हाथ में केवल कलावे बांधते थे रक्षा के लिए। और ये धीरे धीरे परपाटी जो है ये बहन और भाई के में चलती आ रही है, और ये सारा आर्यों का जिसे हम हिंदू कहते हैं उनकी एक कल्पना है, उनका एक अंधविश्वास मात्र है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे एक और दशहरा, जहाँ तक दशहरे की बात है, दशहरा भी ये लोग मनाते हैं, रावण की जय बोलते हैं बार बार। कितना रुपए पूरे भारत में खर्च किया जाता है, जबकि ये केवल आर्य और अनार्यों की लड़ाई है। तथागत भगवान बुद्ध के बाद ये सारी कल्पनाएं हैं। अगर रावण है, रावण था तो इतिहास में नहीं, और अगर था भी तो आज जो रामचरित मानस बनाई गई है, तुलसी ने जो रची है, उसमें कहीं भी कोई प्रसंग ऐसा नहीं आता है। केवल और हमारे बहुत सारे ग्रंथों को अगर उठा के देख लें तो राम एक बुद्धिस्ट माइंड का आदमी था। रावण ने तथागत भगवान बुद्ध से 100 प्रश्न पूछे थे और भगवान बुद्ध ने उनका 100 प्रश्नों का उत्तर दिया था। उत्तर के बाद फिर वो संतुष्ट हुए और रावण ने जो एक अनार्य था उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, अर्थात हम ये कहिए कि भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को उन्होंने माना था। अब सवाल आर्य और अनार्यों का है, क्योंकि बुद्धिस्टों की संस्कृति और आर्यों की जो हिंदू हैं उनकी संस्कृति मेल नहीं खाती है, इसलिए आर्यों अनार्यों की लड़ाई पहले से ही चली आ रही है। रावण चूंकि बहुत बड़ा शक्तिशाली था, बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए आर्य नहीं चाहते थे कि रावण जो है आगे शासन करें, तो उन्होंने भी अपनी शाम दाम दंड भेद की रीति अपना करके विभीषण को अपने फेवर में मिला लिया और अपने फेवर मिला करके रावण का वध किया, और जिससे उसकी खुशी में ये दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। बुद्धिस्टों को दशहरा का त्यौहार बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूर्वज है उसका विनाश हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसको मार गिराया गया, तो इसलिए हमें अफसोस जाहिर करना चाहिए। और हम मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें एक याचिका दायर करनी चाहिए कि रावण के पुतलों को ना जलाया जाए, जिससे हम बुद्धिस्टों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इसलिए हमें ना दशहरा मनाना चाहिए, ना होली मनानी चाहिए, ना रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ये सारे हिंदुओं के त्यौहार हैं, कल्पना लेते हुए त्यौहार हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसको जड़ पूंछ नहीं है, ये ऐसे त्यौहार हैं। इसलिए हमें जो बुद्धिस्ट हैं वो बुद्धिवान व्यक्ति होता है, समनशील व्यक्ति होता है, उनको इस तरह का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।